गाइस पहले ये अभी जो वीडियो देखा आपने, तो आपको भी क्या ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? आप जैसे एक पीसी प्लेयर हो भाई लोग, मेरे जैसे एक पीसी प्लेयर हो, तो ये पीसी प्लेयर लोगों का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। या भाई लोग आपका जो पीसी और मोबाइल है तो आप मोबाइल में खेलते हो, बट भाई लोग पीसी में जो लॉग इन किया हुआ है भाई लोग, तो यार आप कोई कस्टम में घुस नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हे गेमर, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डैफोडिल गेमिंग एंड वेलकम टू माई अनदर वीडियो। सो गेमर भाई लोग, आज वो आप लोगों को बताने वाले, जब हम फ्री फायर खेलते हैं, फ्री फायर में जब भाई लोग कस्टम में घुसते हैं, तब भाई लोग हम लोग जब इम्यूनिटी यूज करते तो एक प्रॉब्लम आता है, इम्यूनिटी डिटेक्टेड प्रॉब्लम। तो भाई लोग उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, वरना आपका सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा सा भी स्किप मत करना भाई लोग, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज भाई लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। यार जितना भी आपका दोस्त है, आपका दोस्त का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो मेरा वीडियो देख के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करते, क्या कर रहे हो भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबा के ऑल सेट कर दो, ऐसी ताजा ताजा वीडियो सबसे पहले मिलने के लिए। और भाई लोग प्लीज 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 कमेंट किया करो, बिकॉज भाई लोग आप लोगों का कमेंट मुझे पढ़ना बहुत बहुत अच्छा लगता है। ठीक है भाई लोग, प्लीज भाई लोग जो भी बंदा देख रहे हो एक एक करके कमेंट किया करो। ओके, तो चलो भाई लोग मिलने के लिए जल्दी का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गेमर्स, हम लोग अभी आ गए हैं फ्री फायर के अंदर, जो हमारा मेन इंटरफेस रहता है। तो भाई लोग देखो, मैं जैसे कर रहा हूँ पूरा मेरे जैसा कॉपी करो, ठीक है, तो ये आप लोगों को हो जाएगा। तो भाई लोग सबसे पहले मुझको एक कस्टम रूम कार्ड खरीदना पड़ेगा। ओके भाई लोग, तो कस्टम रूम कार्ड खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं स्टोर में। स्टोर में जाने के बाद गाइज हमको जाना पड़ेगा आइटम में। तो जो कस्टम कार्ड सामने ही था, मैं देखना भूल गया, तो चलो कस्टम कार्ड खरीद लेते हैं। 100 डायमंड दे के देखता हूँ कुछ कूपन वगैरह है क्या। नहीं है भाई लोग, तो 100 डायमंड दे के कस्टम कार्ड खरीद लिया है हमने। तो गाइज अब क्या करना पड़ेगा, देखो भाई लोग, ओटीरो ने डायमंड फेंक दिया। तो देखो अब मैं कस्टम ऑप्शन में जा रहा हूँ। देखो भाई लोग, यहाँ पे जितना भी देख रहे हो भाई लोग, जितना भी कस्टम रूम का हम लोगों का सामने भी शो कर रहा है। ओके, जितना भी कस्टम रूम गाइज हमारा सामने शो कर रहा है, देखो भाई लोग एक मिनट, और एक बार गाइज मैं गलती से कट कर देता हूँ, मैं भी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ फुल्ली पीसी से भाई लोग, मैं आप लोगों को फुल्ली पीसी से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो देखो भाई लोग, साइड में जो टीवी वाला ऑप्शन आ रहा है, टीवी में क्रॉस वाला ऑप्शन आ रहा है, तो उसका मतलब है आप लोग नहीं घुस पाओगे। क्यों नहीं घुस पाओगे? जो कस्टम का ओनर है, जो कस्टम तैयार किया है, वो भाई लोग एक जो ऑप्शन है वो नो करके रखा है, मतलब नो नहीं, ऑटोमेटिकली नो ही होता है, बिकॉज भाई लोग ये OB23 अपडेट के बाद भाई लोग जो एक ऑप्शन होता था कस्टम में, वो येस रहता था, सॉरी नो रहता था ऑटोमेटिकली, बट ये बंदे अभी जो क्या होता है भाई लोग येस किया होता हुआ रहता है। तो आप जब भी कस्टम खेलोगे, आप बना रहे हो या आपका दोस्त के साथ क्लैश स्क्वाड खेलोगे, तो आपका दोस्त आप अगर पीसी में खेलते हो, या आपका पीसी में लॉगिन किया, आप फोन में भी लॉगिन किया, आप फोन में से जब खेलने जा रहे हो घुस नहीं पा रहे हो, तो आपका दोस्त को बोलना कि प्लीज़ भाई ये एक ऑप्शन होता है, ये मैं जहाँ पे जाके ऑप्शन दिखा रहा हूँ, वो ऑप्शन में जाके गाइज आप लोग जो इसको नो करके फिर खेलो। तो भाई लोग सबसे पहले हम लोग रूम को अरेंज कर लेते हैं। ओके गाइज, कि सोलो में होगा, डुओ में होगा, स्क्वाड में होगा, तो फिलहाल मैं क्लैश स्क्वाड चूज़ कर लिया हूँ इधर से। एंड गाइज अब देखते क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं रूम को अरेंज कर लेता हूँ। तो भाई लोग पासवर्ड लगाना पड़ेगा, जो प्लेयर्स तो 8 रहेगा, एंड पासवर्ड में भाई लोग मैं पासवर्ड लगा रहता हूँ। हाँ चलो, तो मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई लोग वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो फिर फाइनली भाई लोग वीडियो को मैं स्किप कर दिया, एंड भाई लोग देख सकते हो मेरा पूरा हो गया सब कुछ, ठीक है। तो अभी जो 1500 कॉइन रख दिया हो, अब देखो भाई लोग यहाँ पे तीनों ऑप्शन होता है, ठीक है, रूम, गेम, ऑब्जर्व। ओके भाई लोग, ऑब्जर्व में देखो डेट स्पेक्टेटर एंड भाई लोग ब्लॉक इम्यूलेटर। तो भाई लोग देखो, रूम, गेम, ऑब्जर्व जो ऑप्शन रहता है, ये तीन ऑप्शन में तीन लेस्ट वाला ऑप्शन, ऑब्जर्व वाला ऑप्शन में आप लोगों को जाना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लॉक इम्यूलेटर को नो करना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉक इम्यूलेटर जो ये ऑप्शन है, ब्लॉक इम्यूलेटर यूज, ये अगर ये येस रहता है ऑटोमेटिकली अभी OB23 अपडेट के बाद, या अगर आप येस करोगे तो आप पीसी से नहीं खेल पाओगे, अगर आप ये नो करते हो तो आप इजीली खेल सकते हो। अगर आप ये इम्यूलेटर का ऑप्शन को भाई लोग नो करते हो, तो भाई लोग आप लोग खेल पाओगे पीसी से। अगर आप लोग भाई लोग नो येस करते हो, तो आप नहीं खेल पाओगे, तो आपका दोस्त जब भी बनाएगा या आप बनाओगे, तो ये ऑल टाइम ध्यान में रखना। अगर पीसी प्लेयर हो तो, और आपका यार मोबाइल में और पीसी में दोनों में लॉग इन किया होगा, आप मोबाइल में खेल दो तो यार नहीं घुस पाओगे, ठीक है, तब एक बड़ा मसला हो जाएगा, कस्टम कार्ड ही पूरा बेकार चला जाएगा, ठीक है भाई लोग। देखा भाई लोग, मैंने इजीली घुस गया, मैं स्पेक्टेटर में दे दिया था, चलो भाई लोग मैं घुस जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई लोग इसका मतलब होता है, देखो भाई लोग मेरा साइड में देख रहे हो, एक टीवी का कलर का ऑप्शन हो रहा है, आई मीन मैं पीसी प्लेयर हूँ। ये भाई लोग OB23 अपडेट के बाद आया, तो वीडियो थोड़ा लेट है, आई एम सो सॉरी, बिकॉज भाई लोग मेरा ये प्रॉब्लम
जो कस्टम उतना भी इस जो अभी नहीं खेल रहा था, तो अभी फिलहाल मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, तो मैं सोचा कि भाई लोगों के साथ ये शेयर किया जाए एंड इसका भी सॉल्व किया जाए। तो चलो भाई लोग, वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट करना मत भूलना, वीडियो अच्छा लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के शेयर करना मत भूलना। तो अगर आपका दोस्त का भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, आपका दोस्त कस्टम बनाने में गलती करता है, तो वो भी ईजिली भाई लोग जो कस्टम का ऑप्शन नो कर सकते हैं, आप भी ईजिली खेल सकते हो। तो वीडियो को ऑब्वियसली लाइक करना मत भूलना। चलो भाई लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गेमर्स, आई एम सो सॉरी कि मैं वीडियो के बीच में एक बात बोलना भूल गया था। हुए भाई लोग, जो अब जो ये ऑप्शन दिखा है ना, ये जो ब्लॉक इम्यूलेटर का नो करने का, तो भाई लोग ये जब कस्टम बनाओगे उस टाइम करना बनना। अगर आपका एकदम एक बार कस्टम अरेंज करना हो गया, मतलब कस्टम बनाना हो गया, तो आप दूसरे मतलब बाद में ये नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपका जो कस्टम कार्ड फालतू चला जाएगा। तो पहले से बोलना जो कस्टम बना रहा है या आप कस्टम बना रहे हो, ये ध्यान में रखना। ओके, तो यही बोलने के लिए भाई लोग मैं बोल ये एक मिनट बोला था आप लोगों को। तो भाई लोग कमेंट करो कि यार आपका कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ यार कमेंट किया करो।